हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। सर कहना चाहेंगे इस फिल्म का दुनिया में? सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को, सभी भोजपुरी दर्शकों को जो भोजपुरी फिल्में देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं। आज बहुत अच्छा बड़ा मुहूर्त हुआ है जिसे हम ग्रैंड कहते हैं। खेसारी लाल यादव जी की फिल्म है, फिल्म का नाम है दुनिया और फिल्म को जो डायरेक्टर है वो मंसूर जी हैं और मित्तल जी उनके प्रोड्यूसर हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर में रजनीश मिश्रा जी हैं और उनके पीआरओ है संजय भूषण जी। बहुत अच्छी, जैसे इंटरव्यू में या प्रेस में उन्होंने बताया कि फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, नाम भी बहुत अच्छा है फिल्म का, नाम जैसे मैंने बताया आपको दुनिया। और लाइन्स जितनी भी फिल्में आ रही है खेसारी जी की, जितनी भी हम पीछे वाली फिल्में देखते आ रहे हैं, सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही है। और एक खेसारी लाल यादव जी हैं जो सबसे बिजी एक्टर हैं और इतने बिजी होने के बावजूद भी वो समय निकालते हैं और सारी फिल्में वो पूरी करते हैं, तो ये काबिले तारीफ़ है कि वो इतने मेहनत करते हैं और ज़िंदगी में वो हमेशा कामयाब रहे और हमेशा सारे दर्शकों को वो खुश रखें और सभी लोग उनके चाहने वाले उनको फिल्म को सारी चीज़ों को वो चाहते रहें। और आपके प्रोफेशन में क्या चल रहा है, क्या आप अपने काम कर रहे हैं? हमारी भी प्लानिंग है एक दो फिल्मों के लिए लेके, तो उसमें ही बड़े बड़े एक्टर्स होंगे जो भोजपुरी होंगे और जैसे ही वो फाइनलाइज होते हैं तो हम लोग उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं और आगे बता सकते हैं कि क्या वो फिल्म है, कौन सी फिल्म है और कौन कौन लोग काम करने वाले हैं। और कहना चाहेंगे जो पवन सिंह शर्मा जी के बीच में जो झड़प हुई है, जो मतलब विवाद हुआ, उसके बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, देखो होता क्या है, जो भी कुछ हो वो अंदरूनी हो, वो मीडिया के सामने या ऑडियंस के सामने ना आए, क्योंकि जैसे ही वो ऑडियंस के जो जितने भी फ़ैन फॉलोवर्स होते हैं, वो भले वो पवन जी हो, खेसारी जी हो या अक्षरा जी हो, जितने भी फ़ैन फॉलोवर्स होते हैं, तो वो लोग एक अपने आइकन या आइडल मानते हैं सारे एक्टर्स को, पवन सिंह जी हो या खेसारी हो या अक्षरा जी हैं। तो अगर जो भी चीज़ें आपकी रिलेशंस हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपके अपने मन में हो या अपने अंदर ही में हो या वन टू वन में हो वो बातचीत, ना कि वो फैमिली या पब्लिक के बीच में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, जिससे माहौल ख़राब होता है। इससे भोजपुरी इंडस्ट्री जो अब जाके सुधरी है, सुधर रही है और बहुत अच्छे अच्छे फैमिली के लिए फिल्में बना रही है, और फिर अचानक इस तरह से ऐसे विवाद आए तो वो बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे भोजपुरी समाज में भी और सारे जो लोग फिल्म देखते हैं भोजपुरी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।